ये फॉग लिफ्ट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉग लिफ्ट जो होते हैं उसके लिए हमने सॉल्यूशन बनाया हुआ है कि आप बायोमेट्रिक या कार्ड के थ्रू उसको स्टार्ट कर, अनऑथराइज पर्सन उसको स्टार्ट ना कर पाए। ये बेसिकली उसका जो मशीन है उसका इनपुट है रेड और ब्लैक वाली वायर में, और जो येलो वाला वायर है वो उसका इग्निशन का आउटपुट है। तो ये रेड और ब्लैक में मैंने पावर दे दिया, मेरा मशीन ऑन हो गया है अभी, ये आप देखेंगे तो डिस्प्ले में इसका ऑन है। और उसके बाद मैंने टेस्टिंग के लिए अपने भी कि मेरा ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, उसके लिए मैंने ये मल्टीमीटर को एज ए आउटपुट यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इग्निशन का जो एक वायर है उसको जो अब मेरा आउटपुट डिवाइस है उसके प्लस में लगा दिया है, और दूसरा डिवाइस जो इग्निशन की वायर है उसको जो मेरा सप्लाई जहाँ से दे रहे हैं उसके पॉजिटिव में लगा दिया है, ताकि मेरे को यहाँ पे मिल जाए कि कितना वो आउटपुट आ रहा है वहाँ से। और दूसरा जो आउटपुट का डिवाइस का जो वायर है माइनस वाला उसको सप्लाई के माइनस में लगा दिया है। अभी हम चेक करते हैं कि मेरा डिवाइस काम कर रहा है। अभी मैंने यहाँ पे पंच किया डिवाइस के ऊपर, ये मेरा पंच एक्सेप्ट किया, और यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक आउटपुट एलईडी भी लगाया हुआ है ताकि जिसमें आपको पता लग जाए कि हाँ आपका इग्निशन स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे देखेंगे आपको तो ये देखिए यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट आपको दिखा रहा है, तो मतलब मेरा जो डिवाइस है वो परफेक्टली काम कर रहा है। अब जब तक आप इस डिवाइस को दोबारा रीसेट ना करें तब तक ये क्या होगा, इग्निशन चलता रहेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक के केस में क्या होता है कि एक बार पंच कर दिया तो रेगुलरली कंटिन्यूसली उसको इग्निशन मिलना चाहिए, तो उस केस में हमने ये यहाँ पे एक रीसेट का बटन दिया हुआ, आप जैसे ही इसको ऑफ करेंगे ये आपका इग्निशन जीरो हो जाएगा, ये होगा। तो आप ये आउटपुट देखिए आपका जीरो हो गया है।